हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब कि बेसिकली इस चैप्टर में जो बताया गया है वो ये है कि भाई वेस्ट मटेरियल से किस तरह से हमें डील करना चाहिए और क्या आजकल हो रहा है, मतलब क्या क्या होता है वेस्ट मटेरियल। एक बार आपके घर से बाहर चला गया तो किस किस तरह से, किस किस प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे अब है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अब शुरुआत में इस चैप्टर में यही दिया हुआ है कि भाई वी थ्रो सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आर होम्स स्कूल शॉप्स। मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि दिन भर में बहुत सारी चीज़ें एक घर से, दुकान से या किसी भी प्रमिसेस से बहुत सारी चीज़ें एज अ वेस्ट फेंकी जाती हैं, ठीक है। जिसमें मेनली जो है आप देख लीजिए, रैपिंग मटेरियल, कितना कोई बिस्किट का है तो उसका रैपर बाहर फेंक दिया, ये सब वेस्ट में चले गए हैं। कई बार क्या होता है कि भैया चीज़ें ही इतनी ज़्यादा खरीद ली हैं, बाद में उनका यूज़ होता नहीं है, उसको एज इट इज़ फेंक देते हैं लोग, ठीक है। तो वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आर डे टू डे एक्टिविटीज़, ठीक है। तो कितना गार्बेज दिन भर में प्रोड्यूस होता है, तो छिलके फेंक दिए, मूँगफली के छिलके बाहर फेंक दिए, घर में बच्चा पेंसिल छिल छिल के ऐसे ही बिना बात के छिल छिल के वो फेंक रहा है इधर, ठीक है। नोटबुक पे अगर कुछ गिर जाए तो उसका पन्ना फाड़ के फेंक देते हैं भाई, पेज को फाड़ के ही फेंक दिया। एंड डोमेस्टिक वेस्ट तो और फेंकते ही हैं, किचन का वेस्ट हो गया वो अलग, कोई खिलौना विलौना टूट गया, सब वेस्ट, ठीक है। तो अब इसमें बोला हुआ है कि भाई अगर ऐसा हो कि आपके घर से जो सुबह सुबह सफाई कर्मचारी कूड़ा लेने आते हैं वो आए ही ना, तो क्या होगा, इतना वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा और क्या करेंगे आप उस वेस्ट का, ठीक है। इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज्ड इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस, क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई ये सारा वेस्ट मटेरियल एक ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए विच इज़ नॉट हार्मफुल टू अस, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि भाई चिल्ड्रन फ्रॉम पहले एंड बूजो स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज, और उसमें उनको वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दे लर्न अबाउट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। नाउ डीलिंग विद गार्बेज, सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड लैंडफिल। तो आपके घर से वो गार्बेज उठाते हैं और लैंडफिल में लेके जाते हैं, ये यहाँ पे दे रखा है, दिखा रखी है लैंडफिल। देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड, जो पार्ट रीयूज हो सकता है उसको, ये रीयूज हो सकता है या रिसाइकल कर सकते हैं जिसको, उसको अलग कर लिया जाता है। एंड जो पार्ट जिसको यूज़ नहीं कर सकते हैं गार्बेज, दस गार्बेज हैज़ बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स। नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट इज सेपरेटेड आउट, इट इज़ देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। लैंडफिल में डाल के ऊपर उस पर मिट्टी ढक दी जाती है। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल, इट इज़ यूजली कन्वर्टेड इन टू अ पार्क और अ प्ले ग्राउंड। एक बार लैंडफिल अगर पूरा भर गया तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं पार्क में या प्ले ग्राउंड में। For the next 20 years or so, no building is constructed on it. To deal with some of the useful components of the garbage, compost making areas are developed near the landfill. Compost making areas भी उसको आसपास बनाए जाते हैं to deal with the some of useful components of the garbage. What is compost? Let us learn about. अब compost क्या होता है उसके बारे में। अब यहाँ पर देखो एक्टिविटी वन में क्या दे रखा है कि दो ग्रुप बना दिए हैं आपके स्कूल में, ठीक है। डस्टबिन और ग्रुप्स ने क्या करना है, जो डस्टबिन है उसमें से गार्बेज, जो किचन का गार्बेज है वो अलग करना है और बाकी जो सब कुछ है वो अलग करना है,
अब हर एक ग्रुप के कंटेंट को दो हीप्स में कर लेना है हमने, और उसको क्या कर देना है, पुट वन ही फ्रॉम ग्रुप वन एंड वन ही फ्रॉम ग्रुप टू इनटू टू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। अब क्या करेंगे हम, हमने ग्रुप वन का जो वेस्ट था उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ग्रुप टू वाले को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब दोनों के जो एक एक ग्रुप हैं, ग्रुप वन का भी एक पार्ट और ग्रुप टू का भी एक पार्ट को हम प्लास्टिक की थैली में डालेंगे और बाकी को दूसरे सेकंड पार्ट को ऐसे ही रहने देंगे। अब जो चारों इकट्ठे चार हो गए ना, पहले दो और पहले दो, ठीक है, दूसरे के दो और पहले के दो, और उनमें से भी एक एक को हमने प्लास्टिक बैग्स में डाल लिया। तो उसके बाद क्या करेंगे, चार गड्ढे खोदेंगे और उनमें ही चारों जो है दो पॉलीथीन बैग्स में और दो अलग से उसको मिट्टी में दबा देंगे, ठीक है, गड्ढे में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। उसके कुछ दिन तक उसको ऐसे ही रहने देंगे। एंड रिमूव द सॉयल आफ्टर 4 डेज एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज। कुछ दिन बाद हम उसको मिट्टी को वहाँ से हटाएंगे एंड वी विल सी द चेंजेस इन द गार्बेज, क्या चेंज आए हैं गार्बेज के अंदर। अब ब्लैक कलर एंड नो फाउल स्मेल इंडिकेट्स दैट रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज़ कम्प्लीट। अगर एक पूरा ब्लैक कलर हो गया है और उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही, दैट मीन्स वहाँ पे जो रोटिंग थी सब्सटेंसेस की वो कंप्लीट हो चुकी है। पुट द हीप्स अगेन इन द पिट्स एंड कवर विद सॉयल। फिर से उसको वहीं पे रख देंगे और सॉयल से ढक देंगे। ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 डेज एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन एज सजेस्टेड। ठीक है, हर 2 दिन बाद उसको देखेंगे और ऑब्जर्वेशन हमने देखनी है। डिड द गार्बेज रॉट कम्प्लीट एंड नॉट स्मेल। तो जो फर्स्ट ग्रुप का जो एक पार्ट था जिसको हमने प्लास्टिक थैले में नहीं डाला था, वो तो जल्दी कंपोस्ट बन गया होगा, उसका जल्दी से रोटिंग हो गई होगी वहाँ पे। सेकंड ग्रुप में भाई दोनों ही सी और डी में, दोनों में ही, क्योंकि एक तो वैसे ही प्लास्टिक के थैले में था, उनमें रोटिंग नहीं हुई होगी, दे डू नॉट चेंज एट ऑल। जो वाला कंपोस्ट का पार्ट, मतलब जो किचन वेस्ट का पार्ट हमने प्लास्टिक के थैले में डाला था, वो पार्शली, मतलब उसको ज़्यादा टाइम लगेगा रोट होने में, क्योंकि हमने प्लास्टिक के थैले में उसको डाल दिया है। रोट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्मेल, तो इसमें आप ये प्रोसेसेस देखने पड़ेंगे। पहले 4 दिन बाद देखोगे तो वो रोट ओनली पार्शली रोट हुआ होगा, उसके बाद देखोगे तो रोट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल्स बैड, इस तरह से उसमें फेजेस दिखने को मिलेंगे। अब ये एक आपने इस तरह से आपको बना लेना है चार्ट ऑब्जर्वेशंस का आपने। इफ़ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशंस डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दिस डाउन इन योर नोटबुक। कुछ और आपको दिखाई देता है तो वो भी नोट कर लें। डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रॉट। ठीक है, तो जो गार्बेज रॉट नहीं हुआ है उसको आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। If the garbage was found to rot completely and did not smell, mix it in the soil where you sow your favorite plants. अगर वो बिल्कुल rot हो गया है और smell भी नहीं आ रही है तो उसको आप use कर सकते हैं, उसको mix करते हैं आप soil में जहाँ पर आप अपनी gardening कर सकते हैं। This would provide nutrients to the plants. ठीक है, you must have observed from this activity that some things in the garbage rot. दे फॉर्म मेन्योर विच इज़ यूज फॉर द प्लांट्स। तो गार्बेज में कुछ चीज़ें ऐसी है जो रॉट हो जाती हैं और जो कि मेन्योर बनाती हैं, जो कि प्लांट्स के लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, उसमें मिनरल्स और सब चीज़ें होती हैं वहाँ पर अवेलेबल। द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल इन टू मेन्योर इज कॉल्ड कॉम्पोस्टिंग। रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल्स इन टू मेन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो इस प्रोसेस को कंपोस्टिंग बोला जाता है, मतलब जो मैन्योर बनने की जो प्रोसेस है। इन सम सिटीज एंड टाउन्स म्यूनिसपैलिटीज प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन्स। आजकल तो हर जगह ही कंपलसरी है ये कि भाई आपको अलग अलग डस्टबिन में कूड़ा डालना है, इवन जो गार्बेज कलेक्टर आता है उसको भी, दोनों को अलग अलग ही रखना है। यूजली वन इज़ कलर्ड ब्लू एंड अदर इज़ ग्रीन। द ब्लू बिन इज़ फॉर मटीरियल्स दैट कैन बी यूज अगेन सच एज प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड ग्लास, या फिर जिनको रिसाइकिल करते हैं।
डिड यू नोटिस दैट दीज आर द मटेरियल्स दैट डू नॉट रॉट इन गार्बेज हीप. ऑब्वियसली ये रॉट नहीं होते हैं. द ग्रीन बिन्स आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट एंड एनिमल वेस्ट जो कि रॉट हो जाएंगे और जिनका मेन्योर बन जाता है. यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट रॉट कम्प्लीटली वैन बरीड इन सॉइल. डू यू सी वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू सेपरेट वेस्ट इन टू टू ग्रुप्स. तो इस अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई हमने उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किया था फर्स्ट एक्टिविटी में वेस्ट को. हैव यू नोटिस्ड गार्बेज हीप्स ऑफ ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड. मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न्ड. ठीक है, तो जो सड़कों के किनारे सूखी पत्तियाँ गिरी होती हैं कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो सफाई करने वाले भी होते हैं उनको इकट्ठा करके जला देते हैं. खेतों में भी ड्राइड लीव्स एंड हस्क जो है जलाई जाती हैं. बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू आर हेल्थ. तो इनको जलाने से क्या होगा, स्मोक और गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि विच आर हार्मफुल टू अस टू आर हेल्थ. यू शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस. दीज वेस्ट्स कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कॉम्पोस्ट. ठीक है, हेयर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड थाट्स नोटेड बाई पहेली एंड बूजो फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट डीलिंग विद गार्बेज. तो बूजो नोटेड दैट इन हिज नोटबुक टू नॉट बर्न लीव्स वी विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द फ्यूम्स. तो भाई ऑब्वियसली नहीं आग लगानी चाहिए लीव्स में या किसी भी ड्राइड हस्क में, क्योंकि इट्स वेरी गुड बैड फॉर द एनवायरमेंट. उसमें बहुत हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, हमारा पूरा हमारी एयर जो है पोल्यूट हो रही है, जिसको बाद में सब लोग सांस ले रहे हैं उसी में, और उसके बाद बहुत सारी हेल्थ इश्यूज उससे अराइज हो रहे हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड मैनी मोर. ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है कि भाई इट शुड बी यू नो अ पनिशेबल एक्ट. मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हमें अडॉप्ट करनी चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद वर्मी कंपोस्टिंग. We can be friends of plants by supplying them with compost. We will also be very good friends to ourselves by making compost. ठीक है, तो compost बना के हम plants के friend बन सकते हैं, rather than उनको fertilizers देने की बजाय compost डालिए उनमें. We will also be very good friends to ourselves by making compost. खुद के भी हम बहुत अच्छे friends होंगे अगर हम उस कंपोस्ट बना रहे हैं. टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड. अर्थवर्म्स को फार्मर्स का फ्रेंड बोला जाता है. क्यों बोला जाता है, लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेड वर्म इज़ यूज फॉर कंपोस्टिंग. अ टाइप ऑफ अर्थवर्म नोन एज रेड वर्म, हाउ दैट इज़ यूज फॉर कंपोस्टिंग, लेट्स फाइंड आउट. This method of preparing compost with the help of red worms is called vermicomposting. Red worms की help से जो हम compost बनाते हैं उस method को क्या बोला जाता है, vermicomposting. We can try to make manure by vermicomposting at school. School में हम बना सकते हैं ये. तो ये activity इन्होंने दे रखा है. तो basically इस activity में क्या करना है हमने, let us dig a pit. एक गड्ढा खोदेंगे और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस, या फिर एक वुडन बॉक्स को एक जगह रख देंगे जो कि ना बहुत गर्म हो वो जगह, ना बहुत ठंड हो. वट अबाउट अ प्लेस विच डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट. डायरेक्ट सनलाइट ना हो बट थोड़ा सा इतना ठंड भी ना हो वहाँ पे. लेट अस नाउ मेक अ कम्फर्टेबल होम फॉर आवर रेड वर्म्स. तो अब क्या करेंगे, उस गड्ढे में या जो हमने वुडन का बॉक्स लिया है उसके अंदर स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश. तो नीचे एक नेट बिछा देंगे बॉटम ऑफ द पिट या बॉक्स के. यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 to 2 centimeter थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन अल्टरनेटिव. या फिर अगर मैश नहीं अवेलेबल है तो 1 to 2 centimeter की थिक सैंड की लेयर भी वहाँ स्प्रेड कर सकते हैं. उसके ऊपर क्या करना है, नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट पील्स ऑफ फ्रूट्स सैंड के ऊपर उनकी लेयर बनानी है, सेकेंड लेयर. वन कैन ऑल्सो यूज़ ग्रीन लीव्स. उसके साथ साथ क्या यूज़ कर सकते हो, ग्रीन लीव्स, पीसीस ऑफ ड्राइड स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स, हस्क और पीसीस ऑफ न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ सैंड. ठीक है, वेजिटेबल पील्स के साथ साथ ग्रीन लीव्स, प्लांट्स के स्टॉक्स, हस्क, न्यूज़पेपर के टुकड़े, कार्डबोर्ड के टुकड़े, वो भी आप डाल सकते हो.
हाउएवर शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज फॉर द पर्पस। शाइनी पेपर नहीं यूज़ करना है और प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है। ड्राइड एनिमल डंग कुड ऑल्सो बी यूज एज अ स्प्रेड ओवर द सैंड और वायर मेश। एनिमल डंग को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर फिर स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट। अब उस लेयर को वेट बनाने के लिए थोड़ा सा वाटर उसमें स्प्रिंकल करेंगे। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, इसको दबाना नहीं है। कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज़ सफिशेंट एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है। और दबाना नहीं है मतलब उसमें, ताकि हवा भी रहे उसके अंदर और मॉइस्चर भी रहे। उसको प्रेस करेंगे तो हवा उसकी निकल जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। पानी डाल देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे, पर उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। नाउ योर पुटी पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेड वॉर्म्स। अब आपने उनके लिए बना दिया है पिट। बाय सम रेड वॉर्म्स एंड पुट देम इन योर पिट। तो रेड वॉर्म्स आप मार्केट से भी लेके आ सकते हैं और उनको उस पिट में डाल दीजिए। कवर देम लूजली विद अ गनी बैग और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लोथ और अ लेयर ऑफ ग्रास। हल्का सा उनके ऊपर आप मिट्टी भी ढक सकते हो हल्की सी, या ओल्ड शीट ऑफ क्लोथ या फिर ग्रास की एक लेयर हल्की सी डाल सकते हो। मतलब ज़्यादा नहीं कुछ डालना है, हल्का हल्का सा कुछ, थोड़ी सी घास उखाड़ के डाल दिया, कुछ इस तरह से कपड़ा डाल दिया ऐसे। योर रेड वर्म्स नीड फूड, यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट। रेड वर्म्स को खाना चाहिए तो उनको वही वेजिटेबल और फ्रूट वेस्ट दे सकते हो। कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स, वीड्स फ्रॉम द फील्ड और गार्डन, ये सब आप उसके अंदर टाइम टू टाइम डाल सकते हो बाद में भी। इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2 to 3 centimeters inside the pit, ठीक है। तो इस फूड को आप जब भी डालोगे तो उनके ऊपर ही ऐसे मत डालते जाना, साइड में थोड़ा सा पिट बना के तब डालना वहाँ पे। डो नॉट यूज़ वेस्ट दैट मे कंटेन सॉल्ट, पिकल, ऑयल, विनेगर, मीट एंड मिल्क प्रिपरेशंस। तो ऐसा कभी भी वेस्ट नहीं डालना है जिनके अंदर सॉल्ट, पिकल्स, ऑयल, विनेगर और ये सब हो, ठीक है, मिल्क का कोई सब्सटेंस हो। अगर ये सब चीज़ें डालोगे तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे एंड जो कि डिजीज़ कॉज करेंगे। इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन द पिट, डिजीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट। वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पिट, ठीक है। और कुछ दिनों में उसको मिक्स भी करते रहेंगे ऊपर वाली लेयर को धीरे धीरे हम। तो रेड वर्म्स की जो है टीथ नहीं होती, रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ, दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजर्ड। उनका एक स्ट्रक्चर होता है माउथ में, दिस इज नोन एज गिजर्ड, विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। टीथ नहीं होते हैं, गिजर्ड होता है। तो आप पाउडर्ड एग शेल्स और सी शेल्स जो है पाउडर करके उनको भी डाल सकते हो वेस्ट के साथ। दिस वुड हेल्प रेड वर्म्स इन ग्राइंडिंग देयर फूड। तो वो ग्राइंड ईजिली कर पाएंगे फिर फूड को। रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे। कितना खाना खा सकता है रेड वर्म, अपने वेट के इक्वल एक दिन में खा सकता है। रेड वर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स, दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम। If you take good care of your worms, in a month's time their number will double. अगर उनकी अच्छे से देखभाल हो रही है रेड वर्म्स की, तो एक महीने में उनका जो नंबर है वो डबल हो जाएगा। Observe the contents of the pit carefully after 3 to 4 weeks. तो 1 month के आप देख सकते हो 1 month के बाद पिट को। Do you now see soil like material in the pit? तो soil like material आपको दिखाई देगा वहाँ पर। तो जो soil like material है that is your वर्मी कंपोस्ट। Put some waste as food in one corner of the pit. अब क्या करना है, जो पिट के एक कॉर्नर में आप खाना उनका रख देंगे, या जो वेस्ट है किचन वेस्ट जो भी हम उनको खिलाते हैं, तो जो वर्म्स हैं वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब आप क्या कर सकते हो, उस पिट में से जो वर्मी कंपोस्ट बन गया है, जो लूज मिट्टी बन गई है, उसको रिमूव कर सकते हो। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वेकेंट पार्ट एंड ड्राई इट इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स। उस मिट्टी को वहाँ से निकालोगे कंपोस्ट को और ड्राई करोगे कुछ घंटों के लिए। नाउ योर वर्क वर्मी कंपोस्ट इज रेडी टू यूज। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज़ मोस्ट ऑफ द वर्म्स इन इट। तो वर्म्स मोस्टली आपके पिट के अंदर ही हैं। यू कैन यूज़ दिस फॉर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट, और कंपोस्ट बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, और या किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हो। यूज़ दिस एक्सलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट्स, गार्डन्स और फील्ड्स। इन दिस
इज़ दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट? तो ये एक तरह से क्या हो गया, आप वेस्ट को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू समथिंग बेस्ट. तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक्टिविटी में आप ये कर सकते हैं. दोज ऑफ यू हु हैव एग्रीकल्चरल फील्ड्स कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज बिट्स. तो जिनके बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चरल लैंड हैं, लैंड्स होते हैं, तो वो बड़े बड़े पिट्स में वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं. यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी दैट इज़ स्पेंड ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर फ्रॉम द मार्केट. और उसके साथ साथ क्या होगा, ऑर्गेनिक होगी सारी चीज़ें, कोई केमिकल्स नहीं डले होंगे, हेल्दी प्रोड्यूस होगा. तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करें.